सो हेलो फैमिली मेंबर्स, वेलकम वंस अगेन और स्वागत है आप सभी को इस साल का मेरा पहला ब्लॉग में 2024 का। आप सभी के लिए ये साल बहुत ही ब्लेस्ड ईयर होने वाला है और ऊपर वाला से मैं आप सभी के लिए जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स है, यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक फैमिली, आप सभी के लिए मैं ऊपर वाले से दुआ जरूर मांगूंगा और इस साल वीडियो के लिए जोरदार काम करेंगे। 2024 में आप लोग का आशीर्वाद मेरा साथ हमेशा बना रहना चाहिए। और फैमिली पिकनिक है आज गाइस, फैमिली के साथ मैं जा रहा हूँ और दोस्तों के साथ तो नेक्स्ट दिन जाऊंगा लेकिन आज फैमिली को थोड़ा सा समय दूंगा। हाय, हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों आप लोग भी कमेंट जरूर करना, आप लोगों ने किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया और 31 कैसे मनाया। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाते हुए सीधा चल दे नदी के तरफ, पिकनिक स्पॉट के तरफ, वहाँ जाके आज का पिकनिक सेलिब्रेशन का फुल ब्लॉग आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। पूरा कचाकच भरा हुआ है उधर नीचे, चारों तरफ सब सर्च करके आया, कहीं पर भी खाली नहीं है। एक ही जगह स्पॉट यहाँ पर खाली है लेकिन गाड़ी लेके नहीं जा सकता अंदर में। मैंने सोचा था गाड़ी थोड़ा सा धुलाई वुलाई कर लूँगा लेकिन यहाँ पर गाड़ी जाने के स्पॉट नहीं, इसीलिए यहाँ पर खाली है क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं जाएगा, रास्ता किनारे में रखना पड़ेगा। और बेटा नहाएगा नहीं क्या? टीमी का ठंडा में फिरी अम्बो धर धर धर। इतना खुशी नदी मिल के, मेरा गुड़िया भी फर्स्ट टाइम नदी में आया है, ये सेकेंड ईयर है ना, लेकिन लास्ट टाइम तो छोटा था ना गुड़िया। अच्छा लग रहा है गुड़िया नदी में? अच्छा लग रहा है? ठंडा है ना पानी, गिरेगा पत्थर सिली पे। सो फाइनली ये रहा स्पॉट हम लोग का पिकनिक स्पॉट और काफी जगह खाली नहीं है, यहाँ पर ज्यादा आदमी लोग भी नहीं है और साफ सुथरा भी है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी आने का जगह नहीं है। मैक्स पिकअप रखने का वजह से गाड़ी नहीं आ पा रहा तो सब लोग गाड़ी ऊपर ही रख रहे हैं, इस वजह से इतना आदमी लोग नहीं है यहाँ पर। पूरा फैमिली के साथ आया है, यहाँ पर मेरा पापा जी है, इधर माँ, इधर मेरा भाई का मिसेस और इधर मेरा घर वाली। चिकन कटिंग होके रेडी हो चुका है, इधर पक रहा है पोर्क, इधर चावल, सब लोग लगा हुआ है और मैंने अभी अभी फिनिश कर दिया चिकन को काट के। मंगरी करभाटी में माल पियेंगे, चेयर्स, माल पियेंगे सबको, चेयर्स। यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क ही नहीं आता इधर, जिसका वजह से पिकनिक आधा अधूरा हो रहा है क्योंकि म्यूजिक नहीं तो मस्ती नहीं। लेकिन इसमें भी एक विजडम लगाया हम लोग ने, भगवान ने इतना अच्छा मुख दिया है, मुख से ही गाना गा लेते हैं, है ना। और भाई हम लोग का भतीजी लोग के साथ में हैप्पी न्यू ईयर ब्रो, काका मिलके पूरा हम लोग को भूल गया ना, तुम लोग काका मिलके भूल गया ना हम लोग को दोनों। या में देखो, या में हाय बोलो, ये मेरा में देखो, हाय बोलो, क्या थैंक यू। या में बन रहा है सलाद, वाओ अच्छा से बनाई है मैडम जी, इधर देखिए ना मैडम जी, अच्छा से बनाए हैं सलाद। सलाद अच्छा नहीं होने से आपको शाम में इनाम देगा 100 रुपए। दो पाव पका रहा है मुर्गा का, खाने के लिए बहुत टेस्टी लगता है जला के खाने में। दोस्तों पिकनिक तो खेलता है लेकिन खेलने का बाद में साफ सुथरा भी करना चाहिए। देखिए नदी का हालत क्या खराब बना के रखा हुआ है, चारों तरफ प्लास्टिक पेपर बोतल। जाते समय एटलीस्ट अपना खेला हुआ तो साफ करके जा सकता है ना, आप लोग खुद देख सकते हैं इतना गंदा करके गया ना, अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए। सो रेडी है खाना, थोड़ा सा पोर्क है, थोड़ा सा चिकन है, सलाद है और राइस है। खाने का टाइम, अच्छा से खाओ, हाँ अच्छा से खाओ। आपने खाया क्या क्या खाना बेटा, खा लो। चलो खाना शुरू करते हैं। ये बच्चा लोग को हम खाना खाओ बोला तो नहीं खाया, अभी मम्मी आए तो डर से खा रहा है ना, तेरा मम्मी का डर से। एक तो इधर पूरा भूखा बैठा हुआ है मोबाइल देख के, खाली मोबाइल का पगली है ये तो। हम खाओ बोला तो खाया नहीं, खाओ अभी खा रहा है ये, बहुत बदमाश है, मोबाइल मिलने से बदमाशी शुरू इसका। और दोस्तों ये है मेरा परिवार,
अपने फैमिली के साथ गेट टुगेदर होना, टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं खुद को लकी मानता हूँ कि आज मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ। रुखा सुखा जो भी हो, अपने फैमिली के साथ अगर नमक भात भी खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी होता है। और रुबेल भाई हम लोग का हीरो मार के आया है पूरा, उसको पहचान नहीं सक रहा है आज। वाह भाई वाह वाह वाह, अरे दादा हैप्पी न्यू ईयर ब्रो। हैंडसम लग रहे आज लड़की लोग, आज गिर जाएगा कसम से, अगर मैं लड़की होता आज मैं गिर जाता सच में यार। वाह रुबेल भाई बढ़िया, नहीं काटेगा ये तो जाएगा अपलोड होगा भाई कहते है ना। बेटी चश्मा और टोपी मिल गया खुश, तुम्हारा दादा तो रो रहा है वहाँ में कोना में। देखो सब कचरा मैंने यहाँ पर जमा कर दिया, इसको लास्ट में जलाना पड़ेगा। और जबड़ा को भी जला दिया हम लोग ने यहाँ पर, धीरे धीरे सब जल जाएगा ये। लास्टली बहुत ही ब्लेसेड ईयर होगा आप सभी के लिए, आप लोग सब लोग एंजॉय करिए इस साल को। तो हम लोग का पिकनिक यहीं पर आज का खत्म, इस साल का मेरा पहला ब्लॉग वीडियो। गाइस आप लोग सपोर्ट करिए और इस साल धमाकेदार वीडियो लोग बहुत सारा देने वाला हूँ। मेरा को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए और मेरे भैया को आगे बढ़ाते रहिएगा। और एक दो दिन में हम लोग विजयनगर जाने वाला है, तो विजयनगर का ब्लॉग भी आने वाला है दोस्तों, जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर।